गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है फ्राइडे, तो बस अभी नहाना वाना सब हो गया, हेयर वॉश किए थे। और ठंडी तो बाहर बहुत ज़्यादा है गाइस, धूप भी नहीं निकली है, मतलब बहुत ही हल्की थी, चमकी थी लेकिन वो भी चली गई है। और आज ना बहुत गलन वाली ठंड हो रही है, जैसे लगता है ना हाथ पैर में, मतलब सॉक्स वगैरह पहने फिर भी नीचे से ऐसी लग रही ठंडे हो रहे पैर, बिल्कुल इस टाइप वाली ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हमने इन लोगों को भी नहीं नहलाया है, कि बच्चों का तो कोई नहीं है, दो दिन दिन भी नहीं नहाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्या कपड़े वगैरह सब चेंज कर देते तो बस हो जाता है, ड्राई क्लीन हो जाता है इन लोगों का मतलब। तो और गाइस, आप लोगों ने अभी मेरा लास्ट वाला ब्लॉग नहीं वॉच किया तो प्लीज़ जाके वॉच करिएगा। और मैंने उसमें बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या मतलब शॉपिंग करके लाए हैं, तो मैं आज ही यही इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं दिखाऊंगी निष्ठी की म्यूज़िक भी आपको इसी वीडियो में, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और देखिए आप निष्ठी ने क्या क्या सीख लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। और मैं क्या क्या शॉपिंग करके हम लोग आए थे उस दिन, बहुत ज़्यादा तो नहीं करी थी लेकिन जो करी थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ म्यूज़िक आपको उसकी, तो आप देखिए इंजॉय करिए इसकी म्यूज़िक निष्ठी की। और काफ़ी निष्ठी के भी मस्ती चले आज, हाँ सॉरी आज से, आज से निष्ठी की क्लास भी स्टार्ट हो गई, अभी तक छुट्टियाँ चल रही थी इनकी, विंटर वेकेशन चल रही थी तो वो भी ख़त्म हो गए। ये देखिए वो कर रहे हैं, इतनी ठंडी है गई, कोई इतना पहना के रखा है, और जैकेट तो पहनता ही नहीं, और जैकेट जब भी पहना चैन खोल देगा पूरी उतार देगा, जैकेट ये करता है। मैं दे रही हूँ, चैन उतार दे, चैन खोल के पूरी उतार देता है जैकेट जब भी पहना उसको, वो तो स्वेटर इसलिए पहना था जी बंद वाले जिससे वो खोल ना पाए। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, हाय बोल दो, चाय हाय, हर चीज उठा उठा के फेंकेगा, घुमा घुमा के फेंकता है हर चीज, गंदे बच्चों की तरह। बेबी है अच्छा। गाइस मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको निष्ठी की कैसी लगी आरती, जय गणेश, जय वा, इसने सीख लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा फटाफट से आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। ये देखिए जैकेट है निष्ठी के लिए, येलो कलर की गाइस, बहुत ही प्यारी लग रही, बहुत मस्त जैकेट लग रही है, बस लाइट कलर है लेकिन बहुत ही स्मार्ट लग रहा है पीस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अलग से ये चैन अटैच है, मतलब इसको आप कैप को अलग कर दीजिए, इसमें अलग से अटैच है, और लाइट वेट जैकेट है। इसका साइज़ है 32, मैंने लिया साइज़, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे वैसे भी बढ़ते हैं, अब ठंड जा ही रही है, नेक्स्ट ईयर ही इनको ज़्यादा पहनना है, तो थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है, बिल्कुल अभी मतलब हल्का आ जा रहा है अभी भी, लेकिन अगले साल भी इसके आ जाएगा आराम से, क्योंकि 32 लिया है। ओजी की जैकेट है ये, तो इसकी ये येलो कलर की जैकेट आई है निष्ठी की। और गाइज आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग को निष्ठी को तो देखते ही पसंद आ गई थी, मम्मा यही वाली ले लो, निष्ठी को बड़ी अच्छी लग रही थी, वहाँ पहन वहन के देख रही थी, उसको बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चों के साथ थोड़ा लाइट कलर का रहता है मतलब डर, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी हो गई थोड़ी सी है।
बस ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो नहीं करी है। और ये मैं ले आई हूँ यहाँ पे, तो एक लेगिंग्स लाई हूँ अपने लिए, थोड़ा ग्रे, डार्क ग्रे शेड में है, वूलन लेगिंग्स, बहुत ही अच्छी लेगिंग्स है। मतलब इसका जो स्टफ़ है ना बहुत ही अच्छा है, एक होता है ना सिंथेटिक मिक्स वाला, वो स्टफ़ नहीं है, इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा वाला है। और मतलब जैसे वूलन है बहुत गर्म करने वाली लेगिंग्स हैं इस तरीके की है। एक सिंथेटिक मिक्स होती है ना वो बहुत ही, वो नहीं अच्छी अच्छी लगती ज़्यादा, वो थोड़ी हैवी हैवी सी होती है, ये लाइट वेट है। और बस इनकी जैकेट आ गई है रेड कलर की, इन्होंने पसंद करी, इन्होंने क्या निस्टी ने पसंद करी थी, अच्छी लगी। मतलब ये पीस भी बहुत ही प्यारा लग रहा गाइस है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है मतलब इस टाइप के कलर। और रेड कलर की है ये जैकेट इनकी, मतलब अंदर फर वाली नहीं लाए आपके, थोड़ा सा लाइट वेट है, जो लास्ट टाइम लाए थे वो थोड़ा हैवी थी बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लाए मतलब थोड़े लाइट वेट लाए हैं। और इनकी भी ओजी की है, ओजी ब्रांड है इनका जैकेट का भी, और निस्टी की जैकेट, दोनों की ओजी जैकेट है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज़। तो निस्टी की और इनकी जैकेट आ गई है, काव्यू की इस बार जैकेट नहीं आई है, काव्यू की थी क्योंकि जैकेट अभी ज़्यादा शॉपिंग तो हम लोग नहीं करी, थोड़ी बहुत विंटर की शॉपिंग कर ली थी, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं गाइज। और मैंने सोचा चलो विंटर जा रहा है तो थोड़ी सी विंटर की शॉपिंग तो बनती ही है। और बस यहाँ पे मैं एक वो ले आई हूँ इनर अपने लिए, ले आई थी ये गाइज इनर, बहुत ही अच्छी है मतलब, और इतनी गर्म कर रही है इनर वाली, इसका जो गला है ना ये बहुत अच्छा, दोनों साइड से मतलब राउंड शेप में है ना, तो जैसे कुर्ते के नीचे ना वो दिखता नहीं है इस तरीके का गला, अगर पीछे से थोड़ा छोटा रहता है ना तो फिर दिखने के चांसेस रहते हैं। कुर्ती वाली है बड़ी अच्छी है, और अगर इनर तो मस्ट होती है, मतलब इनर अगर एक बार पहन लो फिर कुर्ती पहन लो बस, फिर नहीं लगता कि ऊपर से स्वेटर वगैरह भी पहनो, ऐसी ठंडी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है, इनर तो ज़रूरी है। तो ये बस अपने लिए ले आए थे इनर हम। और इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 है, फुल स्लीव्स नहीं है, 3/4 स्लीव्स है, मोस्टली इनर में 3/4 ही आती है। और बस मैं एक बोले आई कोट, ओवर कोट टाइप का ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर है ये, तो ओवर कोट ले आई थी, मुझे अच्छा लगा था, मतलब एक इसमें ब्लैक शेड था बट वो ब्लैक वाला थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा तो ना कोई कोई ब्लैक कलर अच्छे नहीं लगते हैं, बट मुझे ग्रे कलर अच्छा लगा और सभी इन लोगों को भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते एक है। और गाइस आप विश्वास नहीं करेंगे बहुत ही अच्छा है ओवर कोट, अच्छा लग रहा है मतलब पूरा ऊपर तक, मतलब बटन है इसमें काफ़ी अच्छा है, दो पॉकेट्स हैं सामने। और गाइस आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में।